ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇहद ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ। नशा तस्करी विच फड़े गए जलंधर के एक मुलजम की जमानत अर्जी के उत्ते सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई दौरान हाई कोर्ट वालों ये बेहद तलख टिप्पणी पंजाब पुलिस के बारे की गई। पंजाब वड्डे पद्धर से फैली नशा तस्करी से भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। कहा कि पंजाब तो बेंच के सामने आने वाले 80% नशा तस्करी के मामले पंजाब तो ही आते हैं। पंजाब पुलिस की जांच सिर्फ नशा वेचण वालों तक ही सीमित है, पर आ कितों रहा है इस दे वल पंजाब पुलिस का ध्यान नहीं है। नशा सप्लाई करन वालियां वड्डियां मच्छियां पुलिस की पहुँच तो बाहर ने, सिर्फ जिहड़े ने छोटे मोटे सप्लायर फड़े जाते हैं तो झूठे मामले ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का कहना तो पंजाब पुलिस एक तरह नाल हाई कोर्ट के कटहरे के खड़ी हुई नज़र आई अज जदों ये बहुत वड्डी टिप्पणी हाई कोर्ट वालों पंजाब पुलिस के लिए की गई है। की कुछ कहा गया हाई कोर्ट ने कहा कि बेगुनाहों को नशा तस्करी के झूठे मामलों में पंजाब पुलिस फसाती है, तो खासकर अमृतसर जिले में बेगुनाहों पर झूठे केस पाने का चलन है। तो बेंच सामने आने वाले 80% नशा तस्करी के जोड़े मामले ने वो पंजाब तो आते हैं। ये भी बेहद जी है एक चिंता वाली गल है। तो पंजाब पुलिस की जाँच जी है वो सिर्फ तो सिर्फ नशा वेचण वाल तक जोड़े छोटे लैवल ने उन्हों तक है, तो नशा सप्लाई जितों हों जड़िया मच्छिया ने वो पुलिस की पकड़ तो बाहर ने। यह बेहद तलख टिप्पणी की गई है पंजाब पुलिस लई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों।